अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह करीम हमेशा आप लोगों को ऐसे खुश रखे, सलामत रखे। आप अगर नए हैं प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद ना दिल छन्नी सा हो गया, दर्द से आंखें भर आई। कैसे लोग हैं दुनिया के अंदर, जुल्म करते करते इंतहा हो चुकी है, लेकिन अब तक उनके दिल पर जर्रा बराबर भी ये एहसास नहीं गुजरा कि कितनी माओं के आंचलों को उन लोगों ने तार तार करके खत्म करके कितनी बददुआएं अपने नसीब में ले ली है। ये वीडियो दरअसल इसराइल की है। फिलिस्तीन के अंदर बार बार इसराइली फौज ये काम करती है और यहूदी हुकूमत इस काम पर बराबर लगी हुई है कि जहाँ कहीं भी मुस्लिम कब्रिस्तान है उन कब्रिस्तानों को वहाँ से हटाकर वहाँ पार्क बनाना चाहती है। ऐसी ही वीडियो आपके सामने है जो आप देख रहे हैं कि जब एक कब्रिस्तान से इस माँ के लाल के ताबूत को निकाला गया और उसको मिसमार करने की कोशिश की गई, वालिदा आती है, माँ आती है और कोशिश करती है कि अपने बच्चे के ताबूत को उसकी मईत कौन से बचा ले, लेकिन हजार कोशिश करने के बावजूद वो नाश वो ताबूत इन जालिमों की जद में आ ही जाता है। बहुत जुल्म हो रहा है फिलिस्तीनी भाइयों पर। कैसे दिल है वो जो हर वक्त गम देखते हैं, जिनके आंगन में कभी खुशी आती ही नहीं है। अल्लाह करीम सब्र दे तमाम फिलिस्तीनी भाइयों को, अल्लाह बरकरार रखे, सलामत रखे उनकी जानों को। अल्लाह करीम उनके माल की जान की खूब हिफाजत फरमाए और हम लोगों से जो भी मुमकिन कोशिश हो सके फिलिस्तीनी भाइयों के लिए हम वो करें। और कोशिश करने का आसान दर्जा यह है कि आप उनके लिए दुआ करें। अल्लाह करीम सलामत रखे उनको और इन जालिमों को इनके जुल्म का सिला अल्लाह करीम दुनिया के अंदर ही दिखाए। तमाम मुसलमान एक खानदान की तरह है, कोई भी कहीं अगर परेशान होना तो उसका गम हमारे साथ भी हमारे सीनों में भी होना चाहिए। बस यही पैगाम आपको देना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सबके मेज़बान मोहम्मद नाज़िम, मिलता हूँ इंशाल्लाह अगले पैगाम के साथ।